नमस्ते योग साथियों, कृष्णा अस्त्र योग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आ चुके हैं सेकंड पार्ट के साथ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ध्यान बिंदु उपनिषद। यदि आपने इसकी पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पे आप अपनी स्टडी को सुचारू रूप से प्रारंभ कर दीजिए। तो आज हम ध्यान बिंदु उपनिषद में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो इसमें चार प्रकार के चक्रों की बात की गई है, उसके बारे में हम थोड़ी सी डीप स्टडी करेंगे। अजपा गायत्री का वर्णन इस सेकंड पार्ट में दिया गया है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। छह मुद्राएं ध्यान बिंदु उपनिषद में बताई गई है, उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और जो इसके पहले आपने पढ़ा ही होगा फर्स्ट पार्ट में ध्यान बिंदु उपनिषद के, जो हृदय कमल है जहाँ पे कौन रहता है, परमेश्वर रहते हैं, उसमें जो आठ दल हैं उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। और आत्मदर्शन की जो चार अवस्थाएं हैं उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और जो हमारा फाइनल स्टेज होगा जिसे हम नाद अनुसंधान कहते हैं, उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अपने आप को एनर्जी से भर लेते हैं। कहते हैं कि जिद चाहिए कुछ हासिल करने की, जिद चाहिए कुछ हासिल करने की, वरना उम्मीद लगाकर तो हर कोई बैठा है। सपने तो सबके बड़े होते हैं, सपने तो सभी लोग देखते हैं, लेकिन सपने सिर्फ उनके पूरे होते हैं जो उसके प्रति डेडिकेशन रखते हैं और अपने आप को उसके प्रति समर्पण का भाव रखते हैं। सपने तो काफी लोग देखते हैं कि मेरा GRF क्लियर हो जाए, मैं ए बन जाऊं, मैं ओ बन जाऊं। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप नहीं बनेंगे। इसलिए अपने आप पे विश्वास रखना है, हौसला रखना है और अपने स्टडी को जारी रखना है। कृष्णास्त्र योग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूसी नेट की तैयारी करवाता है, साथ में आपको थेरेपी सेशन भी प्रोवाइड करता है, जो कि हमारी पेड क्लासेस होती हैं, दिल्ली में होती हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस आपको दिल्ली में मिलेंगी। तो हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं उसमें कफिंग थेरेपी, मेडिटेशन, योगा थेरेपी, ग्रुप क्लास और डाइट थेरेपी भी प्रोवाइड की जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए मैंने यूसी नेट की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड की है, जो कि आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएगी। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यदि आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं कृष्णा अस्त्र योग, और वहाँ पे इस प्रकार से आपको मिलेगा कृष्णा अस्त्र योग। आपको बहुत सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जैसे योगा थेरेपी में जितनी क्लासेस हुई हैं वो सारी क्लासेस मिल जाएंगी, भगवत गीता की क्लासेस मिल जाएंगी, भारतीय दर्शन जो है उसके बारे में जितनी भी क्लासेस हुई हैं आपको यहाँ पे मिलेंगी, रिसर्च, उपनिषद, हठ रत्नावली, ग्रंथ संहिता और अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं सारी यहाँ पे प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको मिल जाएगी। प्यारे दोस्तों, जैसे आप प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको सारी वीडियो एक साथ में मिल जाएंगी। अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं, जैसे कि योग तत्व उपनिषद की जो क्लास हुई है, योग चूड़ामणि उपनिषद की जो क्लास हुई है, कुंडलनी उपनिषद की जो क्लास हुई है, श्वेता श्वेतर उपनिषद की जितनी भी क्लासेस हुई हैं आपको इस प्रकार से प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएगी। अब हम बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरह। अब हम बात करते हैं कि ध्यान बिंदु उपनिषद में कितने प्रकार के चक्रों की बात की गई है। आपने इसके पहले सात चक्रों की बात की होगी, आपने इसके पहले षट चक्रों की बात सुनी होगी, लेकिन ध्यान बिंदु उपनिषद में चार प्रकार के चक्रों की बात करते हैं। वो चक्र कौन कौन से हैं, वो चक्र यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, कौन, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत। तो इस प्रकार से चार चक्रों की बात की गई है। मूलाधार में कितने दल हैं, इसमें चार दल हैं। स्वाधिष्ठान में यहाँ पे नहीं बताया गया है, मणिपुर में 12 दल हैं और अनाहत में 8 दल हैं, 32 पंखुड़ियां हैं। अब कहते हैं जो मूलाधार है वो कहाँ पे, उसका स्थान गुदा है, यानी एनस और रेक्टम वाला जो पार्ट है वही क्या है, मूलाधार का स्थान है। और आगे कहते हैं स्वाधिष्ठान, इसका स्थान क्या है, मेंड्र है, नाभि नेवल रीजन के पास है, और अनाहता यानी हृदय के पास है, हार्ट के पास है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और छोटी छोटी चीजें लिखी हुई है, इस पे भी आपको विशेष ध्यान देना है। अब कहते हैं जो मूलाधार है वो क्या है, वो प्रजनन योनि है। ये क्या है, जो मूलाधार है वो क्या है, प्रजनन योनि है, प्रोडक्शन का काम करती है। वो जो सिंबल है वो क्या है, वो मूलाधार है।
वही कुंडलनी शक्ति है, वही क्या है, वही कुंडलनी शक्ति है। तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, मूलाधार और स्वाधिष्ठान के बीच में जो जगह है वो क्या है, वो प्रजनन अंग, प्रजनन स्थान है, ठीक है। और जो प्रजनन योनि है उसके बीच में क्या है, पश्चिमाभिमुख क्या है, बिंदु है, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है, जो मूलधार है, आप तो योग के छात्र हैं तो आपको जरूर मालूम होगा, इसे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत तो नहीं है, आप थोड़ा सा खुद ही समझ लें। अब बताते हैं योग वेता आखिर है कौन, किसे हम योग वेता कह सकते हैं। तो कहते हैं मस्तक में मणि की तरह जो प्रकाश है, कहते हैं मस्तक में जो मणि की तरह जो प्रकाश युक्त है, जो प्रकाश चारों तरफ फैला रहा है, जो उसे जान गया वही योग वेता है। कहते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो मस्तक में मणि की तरह जो प्रकाश युक्त है, जो उसे जान लेता है, जो ब्रह्म के ध्यान को कर लेता है, वो क्या है, वही योग वेता है। अब प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पे क्या बताया गया स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में। तो कहते हैं जो स्वाधिष्ठान चक्र है वो क्या है, वो प्राण का स्थान है, जिसे स्वसंज्ञक कहा जाता है और मेंद्र भी कहा जाता है, इस प्रकार से बताया गया है। और कहते हैं वहीं पे मणि है और उसका जो प्रकाश है वो पूरे शरीर में वायु की तरह फैला हुआ है। कैसा है, वायु की तरह पूरे शरीर में फैला हुआ है। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं नाभि मंडल की, जिसे हम मणिपुर चक्र भी कहते हैं। तो कहते हैं कि इसमें 12 दल है, जो इस दल को जान लिया वो संसार रूपी माया जाल से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। और यही जो मणिपुर चक्र है वही वही क्या करता है, पाप और पुण्य को कंट्रोल करता है। जो इन सारी चीजों को नहीं जानता वो क्या होता है, भ्रम जाल में फंसा रहता है, ऐसा बताते हैं ध्यान बिंदु उपनिषद में। प्यारे दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप अपने पेशेंस को बना के आपने रखा होगा, तो अब हम इसी पेशेंस को बनाते हुए आगे देखते हैं क्या बताया जा रहा है ध्यान बिंदु उपनिषद में। कहते हैं जो कंद का स्थान है, कंद का स्थान क्या है, स्वाधिष्ठान से ऊपर और नाभि से नीचे। कंद का स्थान कहाँ पे, स्वाधिष्ठान से ऊपर और नाभि से नीचे है। और यहीं पे 72,000 नाड़ियां उत्पन्न होती हैं, और 72,000 नाड़ियों में से 72 नाड़ियां मुख्य हैं, उसमें से 10 नाड़ियां प्रमुख हैं, उसमें से भी 3 नाड़ियां क्या है, सर्वश्रेष्ठ हैं, जैसा कि आपने पहले ही देखा। वो 10 नाड़ियां कौन कौन सी हैं आप देख पा रहे होंगे, ईड़ा, पिंगला, शुमना। ईड़ा जिसे हम चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, जो कि हमारे लेफ्ट नॉस्टल से बिलोंग करती है, ठीक है। पिंगला जिसे हम सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, जो कि हमारी राइट नॉस्टल से को रिप्रेजेंट करती है। सुषुम्ना जो कि इन दोनों के बीच में रहती है, जो कि अग्नि का स्थान है, जो कि दोनों के बीच में रहती है। और आगे क्या बताते हैं, गांधारी, हस्तजीवा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहू और संग्री। अब बात करते हैं जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी है, यहीं पे प्राण का संचार होता है, और यही क्या है, प्राण के लिए एक रास्ते का काम करता है। तो अब हम देखते हैं जो प्राण है, यहाँ पे 10 प्रकार के प्राणों की बात की गई थी, वो कौन कौन से हैं, 5 क्या है, प्राण है और 5 आपके उपप्राण हैं। प्राण कौन कौन से, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि प्राण कौन कौन से हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। आप इसे अच्छे से याद कर लें, जो प्राण है उनकी संख्या कितनी है और उपप्राणों की संख्या कितनी है। और जो उपप्राण है वो कौन कौन से, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं अजपा गायत्री के, काफी छोटे शब्दों में यहाँ पे बताया गया है, क्या बताया गया है, कहते हैं कि जो जीव दिन रात, डे और नाइट, 21,600 बार जो मंत्र उसे दिया गया है, या तो हो सकता है गुरु के माध्यम से उसने मंत्र प्राप्त किया हो, या तो वो ओमकार मंत्र हो, उसको 21,600 बार जप करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम गायत्री, अजपा गायत्री कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, अजपा गायत्री कहा जाता है। तो आपको कैसे इस अभ्यास को करना है, आपको क्या करना है, हकार की ध्वनि निकालनी है, जैसे आपका प्राण बाहर जाए, यानी कि आप जैसे ही
एक्सेल कर रहे हैं तो आपको हकार की ध्वनि प्रोड्यूस करनी है, और जैसे ही आप पूरक कर रहे हैं यानी जैसे ही आप इनहेल कर रहे हैं यानी ब्रीथ को आप ले रहे हैं, प्राण को अंदर ले रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सकार करना है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि सोहम जब कैसे करते हैं उसी प्रकार से हमें करना है। क्या करना है, इनहेल करते हुए आपको सकार की ध्वनि, आपको सकार पे ध्यान देना, इनहेल सकार की ध्वनि आपको करते हुए धीरे धीरे आपको क्या करना है, पूरक करना है, इनहेल करना है, और जैसे ही आप ब्रीथ छोड़ रहे हो और वैसे ही आपको हकार की ध्वनि निकालनी है, प्राण को बाहर निकालना है, वो क्या है, अजपा गायत्री है। उसको कितनी बार करना है, 21,600 बार आपको करना है। इससे बेनिफिट क्या होगा तो बताते हैं कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, और जैसे ही साधक ने दृढ़ संकल्प कर लिया अजपा गायत्री के अभ्यास को करते हुए, उसके जितने भी पाप होंगे वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। अजपा गायत्री के अभ्यास से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, और कहते हैं कि अजपा गायत्री के समान कोई ऐसी विद्या नहीं है जो पाप को नष्ट कर पाए। तो सिर्फ एकमात्र मंत्र है कि आप अपने पाप को कैसे दूर कर पाओगे, सिर्फ अजपा गायत्री के माध्यम से आप अपने पाप को दूर कर पाओगे। बिल्कुल नाड़ी शोधन के समान ही है, लेकिन आपको क्या करना है, मंत्र के माध्यम से आपको इस अभ्यास को करना है। अब आगे क्या बताया जा रहा है, कहते हैं कुंडलिनी का जागरण आखिर होगा कैसे, प्रश्न उठ रहा है, तो बताते हैं कि वहिनी योग द्वारा परमेश्वरी कुंडलिनी का जागरण होता है। कुंडलिनी को यहाँ पे परमेश्वरी की संज्ञा दी गई है, परमेश्वरी बताया गया है। यदि आप वहिनी योग का अभ्यास करते हैं तो आपका क्या होता है, कुंडलिनी का जागरण हो जाता है। अब देखते हैं कि आगे क्या बताया जा रहा है, तो कहते हैं प्राणायाम के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि आपको क्या करना है, प्राणायाम करने के लिए आपको पद्मासन की स्थिति में बैठ जाना है। अब आपको प्राण वायु को अंदर की तरफ खींचना है, कुंभक कर देना है। जब आप ऐसी प्रैक्टिसेस करते हो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राणायाम के अभ्यास को करते हुए पसीने निकलेंगे तो आपको उसे क्या करना है, अपने शरीर में अच्छे प्रकार से मालिश कर लेनी है, न कि उसे रुमाल से साफ कर लेना है। अब देखते हैं आगे क्या बताते हैं, प्राणायाम के समय कटु अम्ल नमक का परित्याग कर दूध का सेवन करने वाला ही सुखी होता है। क्यों हमें इन सारी चीजों को नहीं लेना चाहिए, तो कहते हैं कि जब आप प्राणायाम के अभ्यास करते हो तो आपकी जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। जैसे जठराग्नि प्रदीप्त होती है, यदि आप कटु चीजें खाते हो, अम्ल चीजें खाते हो, तो आपका शरीर नष्ट होने लगेगा, यानी आपका शरीर कमजोर हो जाएगा। तो शरीर को हमें कमजोर नहीं होने देना है, शरीर को हमें मजबूत बनाना है, तो आपको दूध और घी का सेवन ही करना है। तो जो साधक दूध और घी का सेवन करता है वो काफी सुखी रहता है, उसे दुख नहीं होता। अब प्रश्न और एक उठता है कि एक वर्ष में किसकी सिद्धि होती है। जो साधक ब्रह्मचारी है, मिताहारी है यानी कि युक्त आहार लेता है, जो योगी है और योग परायण है यानी कि जो ब्रह्मचारी है, मॉडरेट फूड जो लेता है, जो योगी है और योग के अभ्यास को पूरी निष्ठा के साथ करता है, उसकी सिद्धि 1 साल में हो जाती है। किसकी सिद्धि 1 साल में हो जाती है, जो साधक ब्रह्मचारी होगा, मिताहारी होगा, योगी होगा और योग परायण होगा, उसकी सिद्धि 1 साल में ही हो जाती है। हम बात करते हैं मुद्राओं की, तो यहाँ पे 6 प्रकार की मुद्राओं की बात की गई है। हम टू द पॉइंट ही स्टडी करेंगे, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि मूल बंध कैसे लगाना, उड़ियान बंध कैसे करना, जालंधर बंध कैसे करना है, इन सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी होगी। तो अब हम बात करते हैं जो मूल बंध है उससे बेनिफिट क्या होगा। कहते हैं प्राण और अपान एक हो जाते हैं, मलमूत्र की कमी हो जाती है, और जो बूढ़ा व्यक्ति है वो कैसा हो जाता है, वो जवान हो जाता है भैया। उड़ियान बंध की बात करते हैं तो उड़ियान बंध क्या है, मृत्यु मातंग केसरी के समान है, यानी मृत्यु भी उसका कुछ भी नहीं कर सकती, ऐसा है। कौन है, उड़ियान बंध है। प्रश्न में उठे कि मृत्यु मातंग केसरी किसे कहा जाता है, तो उसे आपको बताना है उड़ियान बंध। अब हम बात करते हैं जालंधर बंध की। जालंधर बंध क्या है,
हमारे जो कर्म बंधन है, जो हम कर्म के बंधन में बंधे रहते हैं, और जो हमने जो पाप किया है, या तो इस जन्म में या तो हमने इसके पहले वाले जन्म में, जालंधर बंद के अभ्यास से उन सारे दुखों का नाश हो जाता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि साधक ने कैसे जालंधर बंद के अभ्यास को किया है, कैसे उड़ियान बंद को किया है और कैसे मूल बंद को किया है। आगे देखिए क्या दिया गया है, खेचरी के बारे में बताया गया है। जो साधक खेचरी के अभ्यास को करता है, उसकी भूख प्यास ये सारी चीजें दूर हो जाती हैं, उसे न तो कोई रोग होता है, न तो मृत्यु होती है, और न तो वो कर्मों के बंधन में लिप्त रहता है। किसके अभ्यास से? खेचरी के अभ्यास से इसका बेनिफिट ये बताया गया है। अब कहते हैं वज्रौली के बारे में हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। क्या कहते हैं, जो वज्रौली है वो क्या करती है, परम देह की प्राप्ति करवाती है, यानी कि जो देव होते हैं उनके समान आपका देह हो जाएगा और आप योग के वेता हो जाएंगे, यानी कि आपको ब्रह्म को जानने वाले आप हो जाएंगे। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। अब हम देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है, महामुद्रा। वीडियो को पॉज करना है, जो चीजें समझना है आपको इस स्लाइड के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से आपको समझना है, ठीक है। अब महामुद्रा की बात करते हैं, तो महामुद्रा से बेनिफिट क्या होगा? तो कहते हैं कि महामुद्रा से हम सूर्य और चंद्र को एक कर देते हैं। इसके द्वारा जो वात पित्त और कफ जो दोष हैं वो बैलेंस हो जाती हैं, और महामुद्रा ही क्या है, सभी पापों को नाश करने वाली है। इसके अभ्यास से सारे पाप आपके दूर हो जाएंगे। तो बताया गया है महामुद्रा के अभ्यास से जितने भी सारे पाप हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इसके पहले आपने हृदय कमल के बारे में स्टडी की, उसमें कितने दल थे? उसमें 8 दल थे, जो कि जीवात्मा ज्योति के स्वरूप है। कैसी है? वो ज्योति के स्वरूप है। तो अब देखते हैं जो 8 दल है उनकी दिशाएं कैसी है, उसके रंग क्या है, उसकी मति क्या है यानी बुद्धि क्या है, उसके उसका भाव क्या है। तो बताते हैं जो पूर्व दिशा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जिसे हम इष्ट कहते हैं, जो पूर्व दिशा है उसका रंग क्या है, सफेद है, वाइट है। जो बुद्धि कैसी है, धर्म और भक्ति की भाव की बुद्धि है। यहाँ पे जो बुद्धि है वो कैसी है, धर्म और भक्ति का भाव रूपी बुद्धि है। जो आग्नेय है, आग्नेय क्या है, आग्नेय जिसका रंग लाल है ये किससे युक्त है? तो बताते हैं निद्रा और आलस से युक्त है। जो दक्षिण दिशा है जिसे हम साउथ कहते हैं, उसका रंग कैसा है, वो काले रंग की है। जो द्वेष भाव और क्रोधी स्वभाव का है, कैसा है, जिसका भाव क्रोधी है और द्वेष भाव है। अब हम अगली दिशा की बात करते हैं, अगला दिशा क्या है, वो दिशा है आपका नैऋत्य। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जिसे हम साउथ और वेस्ट भी कहते हैं, उसका रंग कैसा है, उसका रंग है नीले रंग का, जो कि पाप कर्मों और हिंसक प्रवृत्ति से युक्त है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। अब देखते हैं जो पश्चिम दिशा है, जो कि वेस्ट दिशा है, इसका रंग कैसा है, स्फटिक मणि के समान है, एक डायमंड के समान है। जो क्रीड़ा और विनोद में अभिरुचि रखता है, यानी वो खेल में और विनोद में क्या रखती है, अभिरुचि रखती है, इंटरेस्ट रखती है। और जो अगली अगली दिशा है जिसे हम क्या कहते हैं, वायव्य। वायव्य कहाँ पे है, यहाँ पे, जिसे हम नॉर्थ और वेस्ट कहते हैं, इसका रंग क्या है, माणिक किसी के समान है, जो घूमने फिरने और वैराग्य की भावनाएं उत्पन्न करता है। आपने देखा होगा कि एक योगी के अंदर वैराग्य की भावनाएं होती हैं, उसी प्रकार से ये जो दिशाएं हैं इनका भी संबंध इनसे है। अब हम बात करते हैं अगले दिशा की, जिसका नाम क्या है, उत्तर दिशा, जो पीले रंग का है, जो सुख साधन और सजने संवरने में अभिरुचि रखता है। जो हमारे अंदर हैप्पीनेस होती है, सुख के जितने भी संसाधन हैं, और काफी इंटरेस्ट रखता है किसमें, सजने संवरने में, अपने आप को काफी सुंदर तरीके से एक रूप देने में, वो कौन सी दिशा है, वो है उत्तर दिशा, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन कहते हैं। लास्ट जो हमारी दिशा है इसका नाम क्या है, ईशान।
ईशान्य जो कि आपका नॉर्थ और ईस्ट है। ये कैसा है, इसका रंग कैसा है? तो कहते हैं वैडूर्य मणि के समान है, जो कि दान पुण्य और अनुग्रहण करने में अभिरुचि करता है, यानी दान पुण्य में ज्यादा विश्वास रखता है, ऐसी उसकी मति है, बुद्धि है। तो अभी हमने आठों दलों के बारे में बात कर ली है, कुछ और भी पॉइंट है यहाँ पे हम देख लेते हैं। क्या वो पॉइंट है? कहते हैं कि जब मति, जब जोड़ों के संधि भाग हड्डियों में वास करती है, तब वात पित्त कफ से संबंधित बीमारियों या जो होती है उनका प्रकोप हो जाता है। कहते हैं ये सारी जो बुद्धियां हैं ना, जो बोन्स में, जो इनकी ज्वाइंट्स में आ जाती हैं, तो क्या होता है आपको वात पित्त और तीनों दोषों से हम परेशान हो जाते हैं। और जितने भी वात पित्त और कफ से बीमारियां रिलेटिव होती हैं वो हमें परेशान कर देती है। आगे क्या बताया जा रहा है, जब मति मध्य में होती है, अभी तो जोड़ों में थी तो त्रिदोष को इनबैलेंस किया और उससे बीमारियां हो गई। अब क्या बता रहा है कि जब मति, जब बुद्धि है मध्य भाग में रहती है, तब क्या होता है कुछ जानने गाने नाचने पढ़ने आनंद मनाने में ध्यान रहता है। तो जैसे ही आपकी जो बुद्धि है मध्य भाग में रहती है तो हम कुछ जानने की इच्छा रखते हैं, जिज्ञासा हमारे अंदर आती, क्यूरियसिटी आती है, और हम कभी कभी मनोरंजन के लिए भी हम आनंदित होते हैं, पढ़ने में हमारा इंटरेस्ट रखता है। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो लेफ्ट नोस्टिल है एक्टिवेट हो गया, जिसे हम ईड़ा कहते हैं, और इसे हम पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं। इसका रिलेशन किससे है? इससे है। अब बात करते हैं कि चार अवस्थाओं से आत्मदर्शन कैसे होगा। तो काफी आप बोर हो रहे होंगे, तो थोड़ा सा अपने आप को इंटरेस्ट दिया जाए, तो थोड़ा आप आराम कर लीजिए और थोड़ी सी मस्ती कर लीजिए। बसो मेरे नैनन में नंद लाला। चलिए जी, अब हमने थोड़ा सा अपने मन को फ्रेश भी कर लिया। तो वो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो वो अवस्थाएं हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। अब देखिए इसकी स्थिति क्या होती है, इस रेखा का वर्ण क्या है, रंग क्या है और इसका वलय क्या है। तो कहते हैं जो जागृत अवस्था है वो पहली रेखा का आश्रय लेती है। जो जागृत अवस्था है, जो पहली रेखा है, उसका क्या लेती है? आश्रय लेती है। स्थिति क्या होगी? आंखों में थकान होगी। जागृत अवस्था में जैसे हम नींद न लें तो हमें थकान होता है, उसी प्रकार से यदि जो पहली रेखा है आश्रय लेती है तो जागृत अवस्था आती है और उससे थकान की स्थिति बनती है। अब बात करते हैं जो स्वप्न अवस्था है, जिसे हम प्रथम रेखा कहते हैं, जो बंदूक पुष्प के समान है। कैसी है? बंदूक पुष्प के समान है। इसकी स्थिति कैसी होती है? कल्पना के द्वारा थकान। हम बहुत ही ज्यादा इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं और सोच के थक जाते हैं। यदि आप मानसिक तनाव लेते हैं तब भी आपको थकान हो जाती है, होता है कि नहीं? बिल्कुल होगा भैया। अब देखते हैं सुषुप्ति अवस्था, जो कि तीसरा स्टेज है चारों स्टेजों में। वो कौन सी अवस्था है? सुषुप्ति अवस्था, जो कि द्वितीय रेखा है। इससे क्या होगा, इसका वर्ड क्या है? वीर बहुटी इंद्र कोप वर्ड के समान है। इसकी स्थिति क्या होती है? तो बताते हैं कि परमेश्वर संबंधी बुद्धि होती है, परमेश्वर से इनका संबंध हो जाता है सुषुप्ति अवस्था में। आगे जो सबसे एक्सट्रीम लेवल का, सबसे ही सुप्रीम बोल सकते हैं, उसका नाम क्या है? तुरीय अवस्था है, जो कि तृतीय रेखा है। इसका वर्ड क्या होता है? पद्म राग होता है। इससे क्या होगा, परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है, द्वेष भाव मिट जाते हैं, मोक्ष और आत्मदर्शन की प्राप्ति होती है। चलो चलें आगे भी पढ़ लेते हैं। तो देखते हैं आगे क्या पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं जो पंच महाभूत है उनके बारे में बताया गया है और प्राणों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से पंच महाभूत का संबंध हमारे प्राणों से है। तो क्या बताया गया है यहाँ पे? तत्व बताया गया है, वो जो पंच महाभूत हैं उनके बारे में, प्राण कौन कौन से हैं, इनके बीच मंत्र कौन कौन से हैं और इनका वर्ड क्या है, रंग क्या है।
तो कहते हैं जो पृथ्वी है उसका स्थान क्या है? व्यान है। और इसके बीज मंत्र क्या है? इसके बीज मंत्र है लकार। इसका वर्ड क्या है? बंदूक पुष्प के समान है। जल, जल जो कि उदान इसका प्राण है, इसका बीज मंत्र वकार है, वह है। और वर्ड क्या है? शंख के रंग वाला है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा एक शंख का कलर कैसा होता है, उसी प्रकार से इसका रंग है। अग्नि की बात करें तो अग्नि जो है अपान वायु है, उसका बीज मंत्र क्या है? रकार है। और इसके वर्ड क्या है? आदित्य रूप है। वायु की बात करें तो वायु क्या है? प्राण ही है। यदि आपको समझ नहीं आता कि आखिर प्राण है क्या, तो आपको अपने ब्रीथ पे ध्यान रखना है, ठीक है? जैसे आप इनहेल एक्सहेल करते हैं तो ब्रीथ आती है और जाती है, वही प्राण है। यदि वो प्राण न हो तो कोई इंसान जीवित रह सकता है? कोई प्राणी जिंदा रह सकता है? नहीं। वही क्या है? वही वायु है, वही प्राण है। इसका सिंबल क्या है? इसका बीच मंत्र क्या है? तो कहते हैं कि य। और इसके वर्ड क्या है? शंख है। अब हम देखते हैं जो लास्ट पंच महाभूत है उसका नाम आकाश है। उसका संबंध कैसे प्राण से? समान वायु से है। और इसका बीज मंत्र क्या है? हकार है, जो कि स्फटिक के रंग के समान होती है। अब दोस्तों आपके मन में थोड़ी सी दुविधा हो रही होगी, सर आपने ये सारी चीजें तो मुझे बता दी लेकिन मैं आखिर याद कैसे करूंगी? तो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से याद कर लेना है। कैसे? ध्यान रखना है जो इसका बीज मंत्र है, आपको जरूर मालूम होगा कि पहले नंबर पे आपकी पृथ्वी आती है, पृथ्वी को आप देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे जल है, तीसरे नंबर पे अग्नि है, और थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो वायु होती है, ठीक है? लास्ट में आकाश होता है जिसे हम देख नहीं पाते हैं। वायु को भी हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं पाते हैं। तो इसी प्रकार से ध्यान रखना है कैसे आपको याद रखना है। देखिए यदि एक सीक्वेंस पूछे कि आपको सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाना है तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? आकाश से। आपको इस प्रकार से आकाश से स्टार्ट कर लेना है। तो सूक्ष्म क्या है? आकाश है। तो स्थूल क्या है? आपकी पृथ्वी है। लास्ट में यदि पूछे कि आपको स्थूल से सूक्ष्म की ओर आना है तो स्थूल क्या है? पृथ्वी है। इसका अपोजिट हो जाएगा। आकाश क्या है? सबसे सरल लेवल है, सूक्ष्म अवस्था है। सर अब तो मुझे मालूम हो गया, अब मैं क्या करूं? तो आपको ध्यान रखना है कि बीज मंत्र कैसे याद होगा। तो आपको काफी इजी तरीके से बीज मंत्र भी याद हो जाएगा। कैसे? आपको याद कर लेना है लवर, लवर, यह याद हो गया आपको? बिल्कुल आराम से याद कर लेना है लवर, यह याद हो गया? इस प्रकार से आपको ध्यान रख लेना। बिल्कुल भी आपको डीप नहीं जाना है, नहीं हो याद हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप पंच महाभूतों के सीक्वेंस को याद कर लो और आप पेच मंत्र को याद कर लो, काफी है। अब आगे क्या बात करते हैं? आगे बात करते हैं समान प्राण का स्थान। कहते हैं जो समान है, जो प्राण है, वो कहाँ पे है? वो हृदय में भी है, नाभि में भी है, नासिका में भी है, कान और पैर के अंगूठे में भी प्राण का स्थान है। कहाँ कहाँ प्राण का स्थान है? हृदय, नाभि, नासिका, कान और पैर के अंगूठे में किसका स्थान है? समान का स्थान है। अब आगे देखते हैं टू द पॉइंट में क्या चीजें लिखी हुई है। कहते हैं जो 72,000 नाड़ियां हैं और शरीर के 28 करोड़ रोम कूपों में रहता है। कहते हैं जो शरीर में 28 करोड़ रोम छिद्र हैं और 72,000 नाड़ियां हैं, वो क्या है? समान वायु का ही सिंबल है। और कहते हैं आगे जो प्राण और समान है, हमें हमें लगता है कि ये अलग अलग हैं लेकिन ये दोनों एक ही हैं, सिर्फ हमारे देखने में ये अलग है। तो आपको एक ही समझना चाहिए, किसको? प्राण और समान को एक मान लेना चाहिए। प्यारे दोस्तों अभी तक आपने जो उम्मीद बना के रखी थी, अब यहाँ पे आपका वो धैर्य पेशेंस अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट और अंतिम पड़ाव की तरफ। तो अब हम बात करते हैं नाद अनुसंधान की। तो नाद किस प्रकार से हमें नाद अनुसंधान करना है, यहाँ पे ध्यान बिंदु उपनिषद में बताया गया है। कहते हैं क्या करना है? पहले आपको कंठ का संकोचन करना है, यानी जालंधर बंद लगाना है, और साथ में आपको लिंग को
आपको क्या करना है, इसको कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है, मूल बंद लगाना है। पहले आपको जालंधर बंद लगानी है, इसके बाद आपको मूल बंद लगाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो सुषुम्ना नाड़ी है उसको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, संकुचन करना है, यानी कि उड़ियान बंद लगाना है। पहले हम जालंधर बंद लगाएंगे, फिर इसके बाद मूल बंद, फिर आपको लास्ट में उड़ियान बंद लगाना है। अब आगे बात क्या करते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी के आश्रित वीड़ा दंड से उठने वाला अमूर्त नाद सुनाई देने लगता है। जब आप नाद अनुसंधान में जालंधर बंद, मूल बंद और उड़ियान बंद के अभ्यासों करते हो, तो सुषुम्ना नाड़ी से के माध्यम से आपको एक ध्वनि सुनाई देती है, नाद सुनाई देता है, जो कि कैसा है, अमूर्त है। जैसे कि आपको शंख की ध्वनि सुनाई देगी, फिर इसके बाद बहुत प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देंगी, ऐसा यहाँ पे बात की जा रही है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है कि अभी आपने किसकी ध्वनि सुनी, अभी आपने वीड़ा की ध्वनि सुनी, संघ की ध्वनि सुनी। अब बात की जा रही है कि व्योम रंध्र की, जो कि आकाश रंध्र है, वहाँ पे आपको एक मयूर की ध्वनि सुनाई देगी, ठीक है, आकाश में उड़ते हुए मोर की ध्वनि सुनाई देगी। एक पिकॉक कैसे अपने आवाज को निकालता है, वैसे आपको ध्वनि सुनाई देगी। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो आत्मा है वो आखिर रहती कहाँ पे है। तो बताया जा रहा है कि जो आत्मा है वो रहती है कपाल कुहर के बीच में, चार दरवाजे हैं उनके बीच में रहती है, उसके रहने का स्थान है। और आगे ये भी बात की जाती है कि जिस प्रकार से आकाश में, अंतरिक्ष में सूर्य का एक विशेष स्थान है, उसी प्रकार से मानव शरीर में भी आत्मा का एक विशेष स्थान है। यदि आत्मा न हो तो ये जो शरीर है, मानव का शरीर हो, किसी पेड़ पौधे का शरीर हो, या किसी जीव का शरीर हो, वो क्या हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा। उसी प्रकार से आत्मा भी यदि शरीर में है, वो इंसान जीवित है। आगे बात करते हैं कि जो आत्मा है, ब्रह्म में एक धनुष है, उसमें क्या है, एक डंडे के समान है। और ये भी बात करते हैं आगे, जहां पे आपका मन लग जाए वहां पे आत्म साक्षात्कार होता है, और वहीं पे आपको ध्यान करते हुए आपको एक ध्वनि सुनाई देती है, जैसे हम नाथ कहते हैं, वही भगवान शिव का स्थान है। जो इन सारी चीजों को जान लिया, वो क्या है, उसे कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। थैंक यू सो मच एवरीवन। कृष्णाश्रय योग को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी योग की जर्नी काफ़ी इजी हो जाए। धन्यवाद।